प्रदेश में सरकार बनाने भाजपा कांग्रेस को हराने जोगी ने एक और बड़ा दांव खेला है। बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के बाद जोगी ने अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से भी हाथ मिलाया है। सीपीआई ने जोगी से गठबंधन करते हुए दो सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के गठबंधन में एक और नाम रविवार को जुड़ा है। बसपा जोगी के साथ अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इस गठबंधन में शामिल हो गया है। इस गठबंधन के बाद जनता कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के शामिल होने से मायावती के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बने बसपा जेसीसीजे और सीपीआई महागठबंधन की ताकत दोगुनी हो गई है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि तीन समान विचारधारा के दलों का ये जन समर्थन महागठबंधन अगले महीने होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में महाविजयी गठबंधन सिद्ध होगा। सीपीआई के शामिल होने से बसपा जेसीसीजे और सीपीआई महागठबंधन की पकड़ बस्तर सहित कई अन्य विधानसभाओं में मजबूत होगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मजदूर वर्ग बहुसंख्या में है। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के गठबंधन की अपार लोकप्रियता और भारी जन समर्थन के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। इधर गठबंधन के लिए सागौन बंगले पहुंचे सीपीआई नेता ने कहा कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत जोगी बसपा जेसीसीजे सीपीआई महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री प्रत्याशी होंगे। संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं ने सरकार पर भी चौतरफा हमला बोला है। संयुक्त प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की नीति और नियत दोनों जन विरोधी है। जो मुख्यमंत्री पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने मजबूर राज्य के 50% लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकाल पाया, उसे मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने 8 सीट बस्तर में रखे थे, उसमें 2 सीट इस गठबंधन के साथ हमने एग्री कर लिया था कि बस्तर के भीतर में, बस्तर के अंदर, बिलाई में मेरा पार्टी का कोई नहीं। बसपा जोगी के गठबंधन में सीपीआई के शामिल होने से पार्टी कई विधानसभा सीटों में मजबूत स्थिति पर पहुंच सकती है। वहीं प्रदेश के दंतेवाड़ा और कोटा सीटों पर सीपीआई की शुरू से ही बहुत मजबूत पकड़ रही है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय 1990 और 1993 के चुनावों में इन दोनों सीटों पर सीपीआई ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा SECL, भिलाई स्टील प्लांट, NMDC, NTPC और रेलवे समेत अन्य उद्योगों में सीपीआई आर्थिक श्रमिक संगठनों की सदस्यता पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, लिहाजा इसका फायदा सीधे जोगी को मिलेगा। देश टीवी के लिए कैमरामैन संतोष साहू के साथ निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।